हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर 4 बाय टेकिंग लास्ट एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें दो ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन दे रखी है, इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लेना, हमें ज्योमेट्री करके बताना है इन वन वेरिएबल में कैसे होगा। वन वेरिएबल में ये होगा कि y 3 है, तो आप एक नंबर लाइन लगा लीजिए, 0 है, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ऐसे आएंगे, प्लस के होते चलते जाएंगे, हमने 3 लगाना है प्लस का, 1, 2, 3, तो ये आ गया। ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है y = 3, क्योंकि वाई 3 दे रखी है, तो ये हमने ये 0 होता है इधर प्लस के इधर माइनस के, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वन वेरिएबल में। अगर ये 2 वेरिएबल में हो, एक्स वैल्यू 0 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स भी लगा लिया, 2 वेरिएबल हो गए। अब एक्स की कोई वैल्यू है नहीं तो हम 0 एक्स लिख लेंगे, कोफिशियंट नहीं एक्स का, एक्स है ही नहीं, तो 0 होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 0, तो वाई 3 रहेगा। लेकिन इसको करने का हमने क्या करना है, इसकी एक्सिस लगानी है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश लिखते हैं क्योंकि ये प्लस के होते हैं, ये इधर माइनस के, ऊपर प्लस के वाई, नीचे माइनस के वाई, वाई। अब ये मैंने लगा लिया, ये 0 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे चलता जाएगा, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, और चलते जाएंगे, ज्यादा है तो ज्यादा ले लेंगे अगर लंबा क्वेश्चन है। अब इसने दे रखा है y = 3, यानी x की कोई भी वैल्यू हो y हमेशा 3 आएगा, तो x तो 0 है, तो 0 इन सारों पे होता है, x इस पूरे पे x 0 होता है, तो हम यहाँ पे x ये है, हम इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे, इसमें ऐसे इस x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे, इस लाइन के ऊपर y हमेशा 3 मिलेगा, x कुछ भी हो, प्लस 1 हो 2 हो 3 हो, -1 हो -1, वाई हमेशा 3 मिलेगा। तो इसके पैरल लाइन कैसे देंगे, वाई की वैल्यू जैसे ये ले हमें यहाँ पे ले, तो वाई तो ये तो एक्स है, ये इतनी दूरी है, इतनी दूरी तो 1 है, तो x = 1 और y = 3 इस पॉइंट पे। अगर इसके लिए तो x = -1, y = 2, वाई हमेशा 3 मिलेगा, तो इसके एक पैरल लाइन कैसे दो इस पॉइंट से 3 से, क्योंकि वाई ऊपर लेते 1, 2, 3, एक्स 0 है, वाई है 1, 2, 3, तीन मतलब तीन पे लेंगे इसके इस एक्स एक्सिस के पैरेलल के, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है इसकी 2 वेरिएबल्स। ऐसा ही अगला है वो खुद को लिखना। इसके बाद हम लेते हैं चैप्टर नेक्स्ट है 5.5, तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, तो ये कोई साइंटिस्ट है, उसने अपने ज्योमेट्री बनाई है, तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो उसने रूल्स दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, एक पॉइंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, लिखी हुई चीज है, एक ऐसी थिंग है जिसके कोई पार्ट नहीं हो सकते, यानी पॉइंट जो हमने लगा दिया ना, जैसे मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ये इतना छोटा रहेगा जिसका कोई पार्ट नहीं हो सकता, यानी पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इसकी लेंथ ब्रेड हाइट कुछ नहीं है। अगर कोई यूं कहे मैंने माप दी नहीं है, तो और छोटा कर लेंगे, उससे आधा कर लेंगे, और आधा, पॉइंट इतना छोटा होना चाहिए कि जिसको मापा ही नहीं जा सके, तो वो होता है पॉइंट। लाइन, ए लाइन इज ए ब्रेड लेस लेंथ, एक ऐसी लेंथ लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, ब्रेड नहीं होती, ये लाइन, ए लाइन इज ए ब्रेड, लाइन हैज वन डायमेंशन भी कह सकते हैं, लाइन हैज वन डायमेंशन ओनली, उसकी एक ही डायमेंशन होती है, लेंथ होती है, वो है लेंथ लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई उसकी नहीं। तो ये डिमार्केशन के लिए होते हैं, पॉइंट भी और लाइन भी। तीसरा, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, अब ये जो एक लाइन खींच दी हमने, इसके जो एंड्स हैं दो, तो बिल्कुल जो आखिर होता है वो पॉइंट होता है, क्योंकि ये लाइन में बहुत से पॉइंट है, ये पॉइंटों से ही बनी हुई है सारी लाइन, तो जो खत्म होगी तो वहां भी पॉइंट होगे दोनों साइड। द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा ऐसी होती है जो जिसके जो पॉइंटों में बटी होती है, और
इक्वल डिस्टेंसिस पे पॉइंट होते हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, इवन है। तो ये पूरी लाइन जो है पॉइंटों से बनी हुई है, इसके ऊपर हम पॉइंट जितने चाहे रख सकते हैं, ये पॉइंटों से बनी हुई है। तो ये था ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब सरफेस की बात करते हैं, ये तो लाइन थी, अगर दो लाइनें हो जाए ऐसे तो ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो वो हो जाए सरफेस या एरिया जिसको बोलते हैं, सरफेस हो गया, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके दो डायमेंशन होते हैं एरिया। The edges of a surface are line, ये surface है, इसका ये edge है किनारा, और ये है, ये तो line होगी, यहाँ से इस point से इसको मिला दिया, line बन गई, ये line, तो इसके जो edges हैं वो किनारे हैं, जबकि line के जो ends थे वो क्या थे, point, line के ends point होते हैं, surface के end या edges किनारे वो line। A plane surface is lies evenly with a single straight lines on itself. ये इवनली बटा हुआ है लाइनों में, यानी एक लाइन लगाई फिर हमने दूसरी लगा दी फिर तीसरी लगा दी, बिल्कुल एक के साथ एक के दूसरी अलग नहीं रखते हुए, इस तरह बनाते, तो इससे जितनी लाइनें आप लगाते जाओगे उतना ही सरफेस बनता जाएगा। लाइनें खींची हुई है सरफेस पे सारे, तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ एक्जियोम्स हैं यूक्लिड्स के। तो एक्जियोम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, यानी ऐसी थिंग्स दो चीजें जो एक ही चीज के इक्वल हैं आपस में भी इक्वल हो, जैसे मैंने ये लाइन कही थी, ये लाइन इस लाइन के भी इक्वल है और इस लाइन के भी, ये लाइन इक्वल टू ये मान लो है ए बी सी, बी लाइन इज इक्वल टू ए एंड बी लाइन इज इक्वल टू सी, यानी बी सी के भी इक्वल है, बी ए के भी इक्वल है, तो ए और सी में क्या होंगे इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दोस आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दोस आर इक्वल्स, अगर दो बराबर की चीजें हम एड कर दें तो जो होल बनेगा वो डबल बनना चाहिए, वैसे इसमें कोई दिक्कत का है, वो तो डबल हो जाएगा, होल्स इज डबल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, अब ये बात कुछ ठीक से नहीं लग रही, क्योंकि जब दो इक्वल चीजों को ऐड करेंगे हम तो वो होल के रूप में डबल हो जाएगा, लेकिन इसका कहने का मतलब शायद ये होगा कि जो होल है इसको जितनी बार भी हम जोड़ेंगे हमेशा ये लेंथ इक्वल, तो होल सारे इक्वल, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, अगर बराबर की चीजें ऐड की जाए तो जो आपका आंसर आएगा उसको जितनी बार भी हम ऐड करेंगे आंसर वही आएगा, तो होल्स भी हमेशा इक्वल आएंगे, तो इसका कहने का मतलब ये हो सकता है। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, इसी प्रकार ये है, अगर ये इक्वल को इसमें से घटाया जाए यानी टू माइनस टू तो जीरो आएगा, तो टू को कभी भी घटा लो जीरो आएगा, तो इसमें ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, ये और बड़ी है ये भी और बड़ी है लेकिन है इक्वल, इसको कम करेंगे तो भी जीरो है, तो छोटी हो या बड़ी हो अगर एक सी चीजें हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा, जीरो जीरो ही आएगा, क्योंकि तो जीरो जब इक्वल और एक जैसी चीजें ही घटाएंगे तो जीरो आंसर आएगा। तो ये बात, थिंग्स विच कॉन्साइड विच वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसी चीजें जो कॉन्साइड करती है यानी इसके ऊपर हम दूसरी ऐसे ही रख दें यहां से यहां तक, लंबाई भी बराबर है चौड़ाई वगैरह सब बराबर है तो वो इक्वल मानी जाती है, कौन साइड करे तो इक्वल है, कौन साइड का मतलब उसकी लेंथ भी इक्वल और ब्रेड्थ भी इक्वल, उसके ऊपर कौन साइड करे उसको कॉन्सिडेंट बोलते हैं, यानी एक लाइन इसके ऊपर से ही दूसरी लाइन तो वो इक्वल है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये भी ठीक है, ये है होल पूरी चीज, इसके दो हिस्से बनाने के लिए एक भी होल है और इसी पार्ट है इस सारी का ये पार्ट, तो निश्चित रूप से जो ए बी है ग्रेटर देन एसी आएगा, ए बी ग्रेटर देन एसी, इसलिए कहा कि जो होल है इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसी चीजें एक ही चीज के दो दुगनी है वो आपस में बराबर होती है, जैसे इस लाइन के दुगनी है ये लाइन, ये मैं याद कर रहा, इस लाइन के ये लाइन दुगनी है, इस लाइन की ये लाइन दुगनी है, तो ये आपस में क्या होंगी
इक्वल होगी। तो अगर वो सिंगल है तो भी इक्वल है, और इससे डबल है ये भी और ये भी डबल है तो भी वो इक्वल आएगी। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। इसी प्रकार ये मान लो ये यहां तक ये हाफ कर देंगे, यानी ये इसकी हाफ है और ये भी इसकी हाफ है, तो इसके हाफ ये भी है, इसकी हाफ ये भी है, तो ये दोनों को मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाफ ये 5 है, इसकी हाफ ये 5 है, तो 5 5 तो वैसे इक्वल हो, तो डबल भी इक्वल होते हैं हाफ भी इक्वल। तो ये उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, यूक्लिड के एक्सियोम थे, तो ये आपको मैंने बताए हैं और साथ में वो बताइए, इनको आप बुक के अंदर पढ़ के आना, फिर मैं कल लेता हूँ एक्सरसाइज, ठीक है ना, एक्सरसाइज को मैं कल लूँगा, ये जो भी एक्सरसाइज है मेरे लास्ट है ये ना, हाँ लास्ट है, एक दो हैं दूसरे में थोड़े क्वेश्चन है, तो इसी में इसमें ही उसको कर देंगे सर, अभी आपने ये काम करना।